शनिवार को कांडी मुखिया विनोद प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी जनता को नवरात्र की शुभकामना देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से यदि मौका मिला तो वे चुनाव के लिए अवश्य अपनी भाग्य आजमाएंगे। अपनी उपलब्धि को बताते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1987 में ही शामिल हुआ और 1988 में भाजपा का स्थायी सदस्य बना और तब से आज तक स्थायी सदस्य हूँ। मैं भाजपा की तरफ से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहा हूँ। जैसे मुझे जनता ने अपने खर्च से चंदा लगाकर मुखिया बनाया है, उसी तरह पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में भी मदद करेंगी। मैं जनता की बदौलत ही मुखिया के चुनाव में 800 मतों से विजय हुआ था। अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि मैं 2012 में 56 घंटे तक बिजली और सड़क को लेकर तात्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार में अनशन पे बैठा था। उस समय मुझे आश्वासन देकर उपवास तुड़वाया गया था। उसके बाद काम हमारे मन के मुताबिक कार्य नहीं हुआ और मैं पुनः 2014 में सड़क बिजली को लेकर फिर से एक सप्ताह धरने पर बैठा, जो कि पूर्ण हुआ। उसके बाद इस वर्ष जनवरी में सोन नदी पर पुल के लिए हम सभी धरना दिए। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जनता की के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मैं भाजपा से अपनी टिकट के लिए सेवरी की तरह तपस्या करूंगा। मौके पर कमलेश गुप्ता, रामचंद्र राम, चंदन कुमार, उमेश राम, सुरेश चंद्रवंशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।